हाय फ्रेंड्स, तो आए रहा आज मैं गाड़ी की सर्विस कराने के लिए निकला हूँ। गर्मियाँ आने वाली हैं और मैंने देखा मेरे जो एसी है कुछ साल से मैं हर साल उसकी गैस भरवा रहा हूँ और कूलिंग इतनी इफेक्टिव नहीं है। तो रिसेंटली यार मैंने एक वीडियो देखा था कि जो इसकी कंडेंसर कॉयल होती है ना, तो उसमें ना बहुत सारा कचरा जम जाता है, तो बहुत ज़्यादा वो हीट को डिसिपेट ही नहीं कर पाती। तो इसीलिए आपकी जो एसी की जो कूलिंग है वो इतनी इफेक्टिव नहीं रहती, और इवन फैन की जो फैन से जो एसी की जो हवा आती है ना वो भी वॉल्यूम कम हो जाता है। तो वॉल्यूम बड़ा कम हो चुका है, मतलब मैं देखता हूँ, मतलब एक दो पे तो लगता ही नहीं कि कुछ हवा चल रही है कि चल रही है। मेन मकसद मेरा ये है कि जो एसी का काम करवाना है, जो उसकी कंडेंसर कॉयल है, वो मैंने साफ करवानी, क्योंकि उसके ऊपर ओवर द टाइम, क्योंकि मेरी गाड़ी 12 साल से ज़्यादा पुरानी है, तो उस पर काफ़ी कुछ मिट्टी कूड़ा कचरा जम गया होगा और वो पूरी चोक हो गई होगी जहाँ तक मुझे लगता है। और बाकी जनरल सर्विस है, व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग वगैरह करवानी है, और मेरे साइलेंसर से आवाज़ आ रही है वो अलग काम करवाना है, और ब्रेक पैड क्लीनिंग वगैरह करवानी है। तो मैं जा रहा हूँ बाबा मोटर्स के पास, तो वहाँ पे जाके बात करूँगा उनसे एंड रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो काम है मेरे सामने हो वो। बाकी गाड़ी की रबिंग एंड पॉलिशिंग करानी, क्योंकि बहुत टाइम से ना गाड़ी में रबिंग पॉलिशिंग नहीं कराई है, स्क्रैचेस वगैरह सारे माइनर स्क्रैचेस जो हैं वो शायद थोड़े से गायब हो जाएं। तो यार ये गाड़ी खोल दी इन्होंने, और इन्होंने ये बोला है यहाँ पे इस वाले टायर की, कह रहे हैं कि बियरिंग चेंज होगी क्योंकि आवाज़ आ रही थी उससे, है ना। तो यार काम चालू हो गया, और मैंने ये भैया जैसिंग की ये करवाएंगे काम, ये मेन उस्ताद है यहाँ पे जो करवा रहे हैं काम। यार ये पूरा डैशबोर्ड उतरेगा और तब काम होगा। ये पूरा प्लास्टिक का खांचा भी निकलेगा है। तो यार एक गो मैकेनिक वालों ने सीट पे कवर लगा दिए पीछे ढाई से, मैं वही डर रहा था, मैंने कहा यार सीट ऐसी हो जाएगी, तो कवर लगा दिया आपने, बढ़िया काम हो गया। और यार ये फ्रंट पे भी सारे वाइपर निकाल दिए ये दोनों, ये देखो ऐसा लग रहा है कबाड़ा गाड़ी है भाई साहब। तो यार ये काम चल रहा है, आसान काम नहीं है, देख लिया मैंने, मतलब साला पूरा ही डैशबोर्ड निकालना, मतलब पूरी गाड़ी खोलना, ये पूरा स्पीडोमीटर निकाल लिया है। वर्ल्ड कप है तुम्हारा ये भैया ने वर्ल्ड कप निकाल दिया है, पूरा गियर की असेंबली आ गई है बाहर, ये पूरा गियर निकाल दिया है, पूरा ड्राइविंग कंट्रोल निकाल दिया, एकदम खाली हो गया। और ये भैया ग्लव बॉक्स भी निकाल रहे हैं। तो यार डैशबोर्ड से सब कुछ ही निकाल दिया है, और इसका कनेक्शन आगे से हटा दिया है ताकि ये निकल जाए, और जब ये निकल जाएगा तो इसके पीछे कहीं पर हमारी जो कूलिंग कॉइल है वो छिपी हुई है, जो एकदम चोक हो रखी है, उसको हमने चेंज करना है। ये है कहानी। अरे ये तो पूरा ही ताम झाम निकल गया, देखो मेरे को लग रहा था कि शायद डैशबोर्ड निकलने का हो जाएगा काम, ये तो चार चीजें और निकल रही हैं। तो ये कहानी यार, सब कुछ निकल गया, गियर बॉक्स निकल गया, डैशबोर्ड निकल गया, स्टीयरिंग का कॉलम हटा के साइड में रख दिया। तो यार मेहनत तो है इस काम में, मतलब यार ये जो एसी वाला काम है, कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस जिसको बोलते हैं, कि जो कंडेंसर कॉइल जो है हमारी कूलिंग कॉइल है उसको साफ करना है, तो बड़ा लंबा चौड़ा काम है। यहाँ पे है यार इसके, और यहाँ पे हमारी अंदर कूलिंग कॉइल छिपी हुई है, तो उस काम में सफाई करनी, बाहर निकालनी। ये भैया फ़ोन देख के खुश हो गए है ना, और ये वाले भैया इनको घसियारा बोल रहे हैं क्योंकि यार नट बोल्ट ही इतने हैं यार, मैं मेरा खुद दिमाग ख़राब हो गया देख देख के। तो ये भी एक दो नट बोल्ट रह गए, ये फ्रेम जो आगे का निकलेगा और फिर यहाँ इन दोनों पे काम होगा। एक वायरिंग का कपड़ा हटा देता हूँ, देख उधर देख लो कुछ वायरिंग वायरिंग आ रही है तो हटा दियो, सिंपल सिंपल
मेरे को लग रहा था यही है क्या? तो यार ये रही कूलिंग कॉइल, देखो यार क्या जमा हुआ है भैंस की टांग, क्या हवा आएगी ये देखो यार। शिट ये क्या कर रहे हो भैया? ये क्या कर रहे हो? ये इसको बंद कर रहा हूँ। अच्छा, ताकि डस्ट ना जाए। ये देख लो यार अभी कितना बना रहा है। और अब ये भैया केमिकल से साफ कर रहे हैं ताकि जो गंद है उसका छूट जाए। तो आप देख सकते हो इसके अंदर हम नजर आ रहा है भाई, आर पार नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था, 70% क्लॉक था। यार ये वापस फिटिंग कर रहे हैं भैया। और यार ये भैया फोम लगा रहे हैं, जो पहले इसकी फोम की सील थी ना वो एकदम ऐसी हो गई है, बिल्कुल चिपक गई है, निकल गई है वो, तो सो देट कि जो है हवा लीक ना हो। अब यार ये स्टीयरिंग चढ़ा रहे हैं ऊपर, स्टीयरिंग का भी पूरा हिसाब किताब निकाल लिया था। तो आज मैंने गाड़ी का पूरा हिसाब किताब देख लिया भाई साहब की क्या क्या होता है। तो यार ये मैं बाबा मोटर्स आ रखा हूँ, आप देख सकते हो पीछे है ना, तो यहीं पे मैं सारा काम करवा रहा था। तो मेरा बम्पर जा चुका है वेल्डिंग के लिए, बम्पर भी वेल्डिंग के लिए जा चुका है और अब रबिंग इन पॉलिशिंग हो रही है और साइलेंसर वाला काम अब तक नहीं हुआ। सवेरे मैं 11 बजे आ गया था और मेरे ख्याल अब 6 बजे से ऊपर हो चुका है, तो टाइम लग गया और मुझे लगता है 1.5-2 घंटा और लगेगा अभी। तो ये है, बाकी गाड़ी चला के समझ में आएगा और बैठ के समझ में आएगा कि हाँ एसी का काम कैसा करा हुआ। तो ये रहा यार बाबा मोटर और ये इनकी वर्कशॉप है, ये रहा इस पर काम हो रहा है, बम्पर जा रखा है वेल्डिंग के लिए और यार ये कुछ बॉल बेयरिंग का इशू था तो वो करवा रहा हूँ ठीक, और यहाँ अभी पॉलिश होगी इस तरफ, रबिंग इन पॉलिशिंग होगी। और ये भाई बम्पर फिट कर रहा है भाई हमारा, लेट हो गया भाई हमारे चक्कर में, हमारे क्या उसके चक्कर में, रबिंग वाले के चक्कर में है ना, मन कर रहा है कि उसके देख क्या करें भाई, वो लगा हुआ अपने काम पे, वो किसी और के चक्कर में लेट हुआ है। तो यार ये भैया लोगों ने ना वीडियो बना दिया मेरा और इन्होंने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया है ना, तो इनका बस मन यही है कि इनका जो काम है सच में काम मेरे को सच में अच्छा लगा, सबने मेहनत करी खूब। तो मैं अब गाड़ी चला के देखूंगा, मेरे एक दोस्त की गाड़ी और है, शेवरले बीट है और उसने बड़ी बुरी हालत कर रखी है अपनी गाड़ी की, तो उसकी गाड़ी भी यहीं भैया लोग से ठीक कराऊंगा। तो यार एक बार नाम बता दो। जय भैया। संदीप। संदीप प्रमोद भैया। पुस्तके। राहुल। राहुल राहुल आधी आधे में चले गए थे भाग के, इसको कुछ और काम पड़ा दिया। और ये क्या है? सन्नी है भैया। और ये भाई साहब ये गाली बहुत देते हैं, बहुत 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 गाली देते हैं। ये संजीव जी है ना, यहाँ पे मैनेजर है, यही देखते हैं इस काम को।
और ये ना बाबा मोटर्स का काम है ना, बाबा मोटर्स पे काम करा। और ये वाले भैया, इन भैया ने चाय बहुत सही पिलाई थी, बहुत बढ़िया चाय थी। शाम को चाय थोड़ी सी कम हो गई थी है ना, लोग जाते चाय ना। तो ठीक है यार, अभी के लिए बाय बाय। और मैं वीडियो बनाऊंगा इसका कि कैसा काम हुआ यहाँ पे, कैसा रहा हिसाब किताब है ना। और फिर मिलते हैं, चलो ओके बाय बाय। ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर चला लिए गाड़ी। तो यार एसी में तो 120% का फर्क है, मजाक नहीं कर रहा। मतलब जो हवा चार पे आती थी ना, और आवाज़ इतनी ज़्यादा आती थी चार पे कहने की बात नहीं, दो पर वो हवा आ रही है, और एक पे इस मौसम में जो आजकल चल रहा है दिल्ली में मौसम, आज 27 मार्च है, तो वो ठंडा लग रहा है। मतलब ठंडा कर रहा है, एक की स्पीड पे भी ठंडा कर रहा है। तो सही। और गाड़ी ना एकदम ऐसे चल रही है, एकदम जिसे कहते ना मतलब टाइट चल रही है एकदम मस्त। मतलब ऐसा लग रहा है सॉलिड फील आ रही है। आई डोंट नो क्या करा है, एक्सल का काम था कि मैं, बट मुझे नहीं लगता यार वो इतना ट्रबलसम था। मतलब मुझे तो ज़्यादा फील नहीं हो रहा था, बट इन लोगों ने बोला, मुझे रिकमेंड किया था कि यार एक्सल का आपका इशू है, एक्सल से आवाज़ आ रही है। हालांकि मुझे खुद वाइब्रेशन समझ में आई थी जब दिखाई थी उन्होंने, बट पता नहीं वो मेरा कंसर्न नहीं था। और साइलेंसर की आवाज़ के लिए बोला था इन लोगों की, साइलेंसर की आवाज़ आ रही है, वो इन्होंने 80% रिड्यूस कर दिया, बोला थोड़ी बहुत रहेगी, क्योंकि एक जॉइंट होता है वो पूरा ढंग से स्टफ़ नहीं हो पाया है। गाड़ी में सही काम हुआ है, अच्छा काम हुआ है, एंड मैं रिकमेंड करूँगा इन लोगों को। और ये ऐसा नहीं है कि मेरा कोई पेड रिव्यूज है, या मैं कोई कोई खतरनाक सा यूट्यूबर हूँ। मैं आई एम नॉट इवन अ यूट्यूबर, आई एम ट्राइंग टू बी अ यूट्यूबर। तो मैंने 5,500 रुपये दिए, मेरा बिल बना है प्रॉपर, मैं आपको दिखा दूंगा बिल। बट ओवरऑल अच्छा था काम। अगर आपकी गाड़ी 5 या 6 साल से पुरानी है, और आप को कूलिंग में इशू आता है, और आपने गैस भरवा दी एक दो बार, उसके बाद भी इशू आता है, तो आई थिंक आपको ये काम करवाना चाहिए। एंड आई होप यार आपको ये वीडियो सही लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। और अगर मेरे को लगता है कि आपकी गाड़ी में एसी में वही जान वापस आ जाए नई वाली, तो प्लीज़ यार लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना इस वीडियो को, ठीक है। तो अभी के लिए बाय, और मैं अपनी ड्राइविंग पर ध्यान देता हूँ।